यूरोप 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 दोस्तों, हर कोई यूरोप जाना चाहता है। कोई बड़ी कंट्रीज में डायरेक्ट एंटर करना चाहता है, तो कोई थोड़ा दिमाग लगाता है, पहले छोटी कंट्रीज में एंटर करता है और उसके बाद जो है बड़ी कंट्रीज में मूव आउट कर जाता है। आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसी ही छोटी कंट्री के बारे में बताने वाला हूं, जिस कंट्री में आपको आसानी से जॉब मिलेगी, आसानी से वीजा मिलेगा और उसके बाद जो दोस्तों आप वहां से यूके, जर्मनी, इटली, माल्टा जैसी कंट्रीज में मूव आउट कर सकते हैं दोस्तों, बहुत आसानी से। आपको मैं बताने वाला हूं दोस्तों आज के इस वीडियो में पोलैंड के जॉब्स के बारे में। जी हां दोस्तों, यूके, जर्मनी जाना चाहते हो डायरेक्ट, तो बहुत ज्यादा आपको वीजा रिक्वायरमेंट्स दिखाने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा आपको क्वालिफिकेशन दिखानी पड़ती है, जॉब्स भी आपको थोड़ी मुश्किल से मिलती है क्योंकि जितनी जॉब्स अवेलेबल है उतने ही ज्यादा एप्लीकेंट्स अवेलेबल है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। लेकिन पोलैंड की अगर जॉब्स की बात की जाए तो डिमांड मतलब यहां पर भी लोगों की है, लेकिन लोगों के अंदर पोलैंड की डिमांड नहीं है, लोग नहीं जाना चाहते पोलैंड, ठीक है। इसीलिए अगर आप पोलैंड की जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो दोस्तों, तो आपको बहुत आसानी से जॉब्स मिलती है, आपको वीजा भी बहुत आसानी से मिल जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पोलैंड के फैक्ट्री वर्कर जॉब्स के बारे में, एक ऐसी जॉब कैटेगरी दोस्तों जिसके लिए आप बिना एक्सपीरियंस के भी अप्लाई कर सकते हैं, ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। बिना एक्सपीरियंस मतलब जब मैं बात कर रहा हूं तो ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आपको एकदम जीरो एक्सपीरियंस के साथ अप्लाई करना है, आप 2 साल का 3 साल का एक्सपीरियंस के साथ जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही एजुकेशन की ज्यादा जरूरत नहीं होने वाली है। लेकिन एक जो बेसिक रिक्वायरमेंट है दोस्तों, जो कि आपको हर जॉब के लिए जरूरी होने वाली है, एक कॉमन रिक्वायरमेंट है, वो है अंग्रेजी। क्योंकि भैया पोलैंड के लोग जो है वो नेटिव लैंग्वेज में बातचीत करते हैं, वो पोलिश में बातचीत करते हैं, वहां पर आपको इंग्लिश स्पीकिंग लोग ज्यादा नहीं देखने के लिए मिलेंगे। ऐसी बात नहीं है कि वहां पर अंग्रेजी लोग बोलते ही नहीं है, वो बोलते हैं, उनको समझ में भी आती है, लेकिन वो लोग जो है नेटिव लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं। तो अगर आपको वहां जाकर के सर्वाइव करना है दोस्तों, तो आपको अंग्रेजी आनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है, आप लोगों की बात ही नहीं समझ पा रहे हो या फिर समझा नहीं पा रहे हो और फिर आप जो है पोलैंड की जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो। ऐसा अगर है तो प्लीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पोलैंड को सिलेक्ट मत करो, आप दूसरी कंट्रीज को सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन पोलैंड में आपको अंग्रेजी आनी चाहिए दोस्तों, कम से कम A2 या B1 लेवल की अंग्रेजी आनी चाहिए, तभी आप जॉब्स के लिए एलिजिबल हो पाओगे। आपको समझ ही नहीं आएगा आपको करना क्या है, तो फिर आपके लिए सर्वाइव करना दिक्कत हो जाएगा दोस्तों, आपको जो है बोरियत लगने लगेगी उस कंट्री में, तो ऐसा अच्छा नहीं है फिर, ठीक है। ऐसी बात है कि वहां पर बहुत सारे इंडियंस लोग हैं, लेकिन फिर भी आपको अपने बेहतरी के लिए जो है अंग्रेजी थोड़ी सी सुधारनी होगी अपनी, ठीक है, अपनी अंग्रेजी पे थोड़ा काम करना चालू कीजिए अगर आप पोलैंड में अलग अलग टाइप की जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो या फिर किसी भी कंट्री में जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो अंग्रेजी तो आनी चाहिए, तो भैया इस पर काम करना चालू कर दीजिए। कोई ऐसी बात तो है नहीं कि भैया व्यर्थ चला जाएगा आपका, ये व्यर्थ कुछ नहीं जाता सर, ठीक है। आप अंग्रेजी पर ध्यान दीजिए, एजुकेशन की जैसे कि मैंने आपको बात की, 8th पास, 10th पास और 12th पास लोगों के लिए यहां पर जॉब्स अवेलेबल है, आप इजीली जो है जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फैक्ट्री वर्कर के जॉब्स की बात मैं कर रहा हूं दोस्तों, इसमें आप 10th पास, 12th पास लेवल पे जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं बहुत आसानी से। एक्सपीरियंस वाला जो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि बिना एक्सपीरियंस के आप अप्लाई नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन वही बात होती है ना दोस्तों कि अगर आपके सामने एक फ्रेशर है, आप खुद हो, आप एक एम्प्लॉयर हो, आपके सामने फ्रेशर आया, आपके सामने एक्सपीरियंस आया, आप खुद जो है एक एक्सपीरियंस बंदे को चुनोगे, आप फ्रेशर को नहीं चुनोगे, तो ये बात होती है, आपको प्रेफरेंस देना है एक्सपीरियंस को। तो इसीलिए जो है अगर आपके पास आप फ्रेशर हो, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं आपको एडवाइस करता हूं कि आप अपनी कंट्री में, अपनी होम कंट्री में थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन कीजिए, उसके बाद जॉब्स के लिए अप्लाई कीजिए, ठीक है। अगर आपने अभी अभी जस्ट पढ़ाई कंप्लीट की है, 19 साल के हो, 20 साल के हो, तो आप अपने आपको टाइम दे सकते हो, थोड़ा 1 साल का, 1.5 साल का टाइम दो अपनी कंट्री में, ठीक है। आप एक स्ट्रीम चुन लो कि भैया मेरे को ये टाइप की जॉब करनी है और इसी टाइप की जॉब के लिए मेरे को बाहर जाना है। अब हम इंफॉर्मेशन देते ही रहते हैं आपको कि किस टाइप की जॉब्स की ज्यादा डिमांड है, अगर आपको उसी सेम कैटेगरी में जॉब्स के लिए अप्लाई करना है तो सेम कैटेगरी की एक्सपीरियंस यहां पर लीजिए, ताकि आपको फायदा हो, ठीक है। बाकी मदद हम करने के लिए बैठे हुए हैं। तो दोस्तों ज्यादा बातें हो गई, अब मैं आपको डायरेक्ट ले चलता हूं वेबसाइट पे और आपको बताता हूं कि कैसे आप पोलैंड की जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, फैक्ट्री वर्कर जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो आपको एक पोलैंड फॉर्मेट का सीवी और कवर लेटर चाहिए होगा दोस्तों। पोलैंड फॉर्मेट का सीवी और कवर लेटर बना लीजिए या फिर हमसे बनवा लीजिए, दोनों ऑप्शन है आपके पास। अगर आप हमसे बनवाना चाहते हो दोस्तों, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों आप, और अपना प्रोफेशनल सीवी और कवर लेटर बनवा कर तैयार कर सकते हैं। आपके बनाने में और हमारे बनाने में ये बस यही छोटा सा डिफरेंस होगा दोस्तों कि हम जो बनाएंगे वो थोड़ा प्रोफेशनल होगा और आप जो बनाएंगे वो थोड़ा सा नाइव हो सकता है, ठीक है, इस चीज का ध्यान दीजिए। तो दोस्तों चलिए अब ले चलता हूं आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और आपको बताता हूं कि कैसे आपको जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, तो चलिए चलते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें गूगल पे जाना है और गूगल पे जाके टाइप करना है पोलैंड फैक्ट्री वर्कर जॉब्स। जैसे ही आप पोलैंड फैक्ट्री वर्कर जॉब्स टाइप करेंगे दोस्तों, आपके सामने जो है
कुछ जॉब्स अवेलेबल हो जाएंगी, जैसे कि आप देख सकते हैं मेन पेज पे ही अवेलेबल हो गई है दोस्तों। यहाँ पर आपके सामने कुछ अलग अलग वेबसाइट्स भी अवेलेबल हो चुकी हैं। देखिए यहाँ पर indeed.com पे अप्लाई फॉर एंट्री लेवल फैक्ट्री जॉब्स, उसके बाद नीचे देख सकते हैं जॉबियन पे वर्क पैकर फॉर लिप्टन टी फैक्ट्री, उसके बाद अलग अलग आपके पास जो है वेबसाइट्स आ जाएंगे। आप उन वेबसाइट्स पर जाकर के जो है अलग अलग जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर यहाँ से डायरेक्ट जो है आप सभी जॉब्स को एक साथ देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों लिखा हुआ है वर्कर एट अ बिस्किट फैक्ट्री, ठीक है। यहाँ पर अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो सारी जानकारी मिली है, मैन वुमेन मैरिड कपल अंडर द एज ऑफ 50, 50 के नीचे है तो आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी कितनी मिलेगी आपको ये भी देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर कब से कब तक काम करना है वो सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। अकोमोडेशन जो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर फ्री ऑफ चार्ज, कैंडिडेट मस्ट हैव अ सेट ऑफ बेड लिनन, यानी कि आपके पास चद्दर वद्दर होने चाहिए, आपको जो एकोमोडेशन खुद से मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज में प्रोडक्शन लाइन में आपको काम करना है, पैकेजिंग स्टिकिंग ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट फिनिश हो जाएंगे उनका पैकेजिंग और स्टिकिंग करना है, प्रोडक्ट क्वालिटी कंट्रोल करना है दोस्तों आपको, और साफ सफाई रखनी है वर्क प्लेस पे, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं रिक्वायरमेंट्स में गुड मैनुअल स्किल्स होने चाहिए आपके पास, और डिजायर एंड मोटिवेशन टू वर्क, अरे इच्छा होनी चाहिए काम करने की बस। और यहां पर आप देख सकते हैं अप्लाई ऑन प्रवेश ग्रुप, अब यहां पर जो ऑप्शन दिया है प्रवेश ग्रुप वाला, आप इस पर क्लिक करके डायरेक्ट उनकी वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं दोस्तों, और वहां से जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं तो आपको ये डेमो दिखा रहा हूं, मैं सारी वेबसाइट पर जाकर नहीं दिखाऊंगा, आपको जो है अपने हिसाब से सारी वेबसाइट पे जाकर के जो है अप्लाई करते रहना है, ठीक है। यहाँ पर आ गए, यहाँ पर कुछ एड्स वगैरह आ रहे हैं, इनको क्लिक क्लियर कर देंगे। यहाँ फुल नेम डालेंगे, फोन नंबर, पासपोर्ट नंबर, कवर लेटर वगैरह डाल के सीवी डालेंगे, यहाँ पर कॉपी ऑफ वैलिड पासपोर्ट, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ जो है हमको एक साथ अपना यहाँ चूज फाइल करके डाल देना है, कितना एक्सपीरियंस है वो चीज़ें डाल देंगे, और उसके बाद जो है क्लिक करके बाय यूजिंग दिस वगैरह पे क्लिक करके अप्लाई कर देंगे। उसके बाद नीचे देख सकते हैं यहाँ पर एक और जॉब है दोस्तों, चिकन फैक्ट्री वर्कर की, ठीक है। यहाँ पर भी आपको सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, हॉस्टल इज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, लेकिन ये जो है कॉस्ट लेंगे आपसे 90 कुछ जो है वहाँ की करेंसी के हिसाब से आपके पर मंथ लेने वाले हैं वो लोग। और उसके बाद जो है नीचे आपको सारी जानकारी मिलेगी और अप्लाई का ऑप्शन भी मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं वर्कर एट द मीट फैक्ट्री, यहाँ पर भी आपको जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी सारी सारी। यहाँ पर देखिए आप सामने लिखा हुआ है एक्सपीरियंस इज नॉट नेसेसरी बट विल बी अप्रिशिएटेड, मैंने जैसा कि आपको वीडियो में बताया कि एक्सपीरियंस नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपके सामने किसी एक्सपीरियंस बंदे ने अप्लाई किया तो उसको प्रेफरेंस मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर सामने साथ ही ये भी लिखा हुआ है कि वी हेल्प विद द सर्च ऑफ हाउसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, वर्क वीजा वगैरह के रजिस्ट्रेशन के लिए भी जो है ये लोग मदद करते हैं, इसीलिए आप अप्लाई ऑन स्टार्क एंड पार्टनर्स पे क्लिक करके जो है स्टार्क एंड पार्टनर्स के मीट फैक्ट्री में भी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और बाकी इतनी सारी वैकेंसीज है आप वो भी देख सकते हैं दोस्तों। देखा दोस्तों कितनी आसानी से आप भी पोलैंड के फैक्ट्री वर्कर जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल है दोस्तों, आप इन जॉब्स के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं कम रिक्वायरमेंट के साथ, और आपको हायर करने के लिए बहुत सारे एम्प्लॉयर बैठे हुए हैं, सबसे पहली बात तो ये, ठीक है। इसीलिए अगर आप जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो जल्दी से एक पोलैंड फॉर्मेट का सीवी और कवर लेटर बनवा लो दोस्तों, और उन जॉब्स के लिए अप्लाई करना चालू कर दो। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।